हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑफिस जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा अगर मैं डिले करूंगा तो लेट हो जाएगा, तो फटाफट मैं निकलता हूँ, सीधे मिलता हूँ आपको हाईवे पर। उससे पहले मुझे नाश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता बना रखा हुआ है, तो फिर नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद तो ऑफिस में ही नाश्ता करना है एक दो दिन के बाद। चलिए, मेरा नाश्ता हो गया है तो मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, और टाइम भी हो गया है, तो जितना यहाँ से लेट करूँगा उतना मुझे हाईवे पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। तो मिलते हैं सीधे हाईवे पर। अब राइडिंग की शुरुआत तो हो ही चुकी है, गुड मॉर्निंग भी मैंने बोल ही दिया है, और भरपूर दिख रहा है आज। तो जितना लेट होता है उतना ट्रैफिक भी बढ़ता है सड़कों पर, क्योंकि सबका ऑफिस जाने का टाइम सेम हो गया अभी है। मेन जो क्रॉस गेट है वहाँ पे जगह है हमारे जाने के लिए, बाइकर्स के लिए थोड़ी सी जगह दे रखी है, तो वहाँ से निकल जाएंगे, आसानी रहेगी। आज थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है जिसकी वजह से ठंड लग रही है, और रोड पे थोड़ा कोहरा भी दिख रहा है ऊपर। अरे वाह, आगे तो मेला दिख रहा है कारों का। पहुँच गए मलाड सबवे, फटाफट पहुँचे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज। देख रहा हूँ लोगों ने मास्क लगाना दोबारा चालू कर दिया है, क्योंकि भाई चाइना में और जापान में सुना है कि बहुत ज़्यादा कोरोना का कहर हो गया है, तो उसका फ़र्क इंडिया में तो पड़ने वाला ही है। फाइनली पहुँच गए हैं मलाड। न जाने के लोग कॉर्नर पे अपनी स्कूटर खड़ी कर देते हैं ला करके, बहुत ही गलत बात है ये। आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं अपना ब्लॉग, और शाम को एक नई राइडिंग मिलेंगे रात की राइडिंग में। तब तक के लिए बाय। Approximately 10 hours later. चलिए, आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और बहुत सारा काम था आज, हमने बहुत सारा काम निपटाया। आजकल वीडियोज में देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। हेलमेट पहन लेना चाहिए मुझे भी, क्योंकि अभी आप यहाँ से रोड चालू होने जा रहा है SV रोड। चलिए, राइड की शुरुआत हो चुकी है। ये है माइंड स्पेस। ओहो, ठंडी लगने लगे भाई, स्वेटर लेके आया था उसके बावजूद मैंने स्वेटर क्यों नहीं पहना। सुबह भी ठंड लग रही थी और रात में भी ठंड लग रही है। इंतजार करते हैं सिग्नल के खुलने का। जब चारों तरफ से जाम लगा होता है ना, तब ये रोड हमें खाली मिल जाती है। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा ये हेलमेट है ना, हेलमेट का जो वाइजर ग्लास है इसका, तो ग्लास है थोड़ा टिंटेड ग्लास है ये, जिसकी वजह से ना 50% का जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, थोड़ा सा अंधेरा, अंधेरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखने लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ से मैंने हेलमेट लिया था उस भाई को बोलता हूँ कि अगर हो सके तो ये टिंटेड ग्लास चेंज करके ना नॉर्मल कांच का ग्लास लगा दे। उस दिन हेलमेट आप यहाँ से लेके गया था ना, एक गलती हो गई थी, हमने इसको चेक नहीं किया था, इसका जो ग्लास है ना वो टिंटेड है, और हमने उसको लगा के ट्राई नहीं किया था। ये बताओ, ये चेंज हो सकता है या क्या ऑप्शन है इसका? मैंने हेलमेट वाले भाई से बात तो किया है इसको टिंटेड ग्लास चेंज करने के लिए, अब देखता हूँ वो चेंज करता है कि नहीं करता है, और मुझे पता भी नहीं है कि इसमें ऑप्शन है चेंज करने का कि नहीं ऑप्शन है। इसका भी नहीं पड़ेगा। फाइनली ग्लास जो है ना वो चेंज हो गया है मेरे हेलमेट का, तो अभी भाई देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो 60% विजिबिलिटी थी ही नहीं, मुझे दिखता ही नहीं था कि हाँ आगे रोड पर क्या है क्या नहीं है, और दोपहर में ऐसा लगता था कि हाँ शाम हो गई है, और शाम को ऐसा लगता था कि हाँ रात हो गई है। लेकिन भाई अब सारी चीज़ें, सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई हैं, अब लग रहा है शाम को शाम है और रात को रात लगेगी शायद। कनेक्ट कर लिया है मैंने हाईवे, नीचे भी वही हाल है, ऊपर भी वही हाल है। आज हम चलने वाले हैं ब्रिज के ऊपर से। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा हेलमेट का कांच चेंज करना। ये बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट
हम लेते हैं नीचे के लिए, और जो राइट में होते हैं वो लेते हैं हाईवे जाने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।